माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट प्रजेंटेशन में फाइल टैब के बारे में सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि फाइल टैब का एम एस पावर पॉइंट में क्या यूज़ है और फाइल टैब के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं तो चलिए दोस्तों अब सीखना शुरू करते हैं हमने पावर पॉइंट फाइल को ओपन कर लिया है पिछली वीडियो में हमने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में सीखा आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा अब बात करते हैं इस वीडियो की जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो फाइल टैब यहां क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे शो हो रही है पावर पॉइंट टू थाउजेंड सेवन ऑफिस बटन को रिप्लेस करके फाइल टैब को इंट्रोड्यूस किया गया था पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन में जिसे अगर दूसरी टैब से कंपेयर किया जाए तो उनसे बिल्कुल अलग काम करता है जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो ये एक अलग स्क्रीन को ओपन करता है यहां पर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सबसे पहले नंबर पे इन्फो का ऑप्शन है इन्फो पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इस पावर पॉइंट फाइल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि प्रॉपर्टीज के बारे में कि इस फाइल का साइज कितना है स्लाइड्स और हिडन स्लाइड्स कितनी है यहाँ पर हम टाइटल टैग्स और कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद इस फाइल से रिलेटेड डेट्स जैसे कि लास्ट मोडिफाइड क्रिएटेड और लास्ट प्रिंटेड डेट के बारे में हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है इनके अलावा ऑथर नेम के बारे में वर्जनस के बारे में और ऐसी ही इस पावर पॉइंट फाइल से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होती है यहाँ से हम इस प्रेजेंटेशन के इश्यूज को भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं इन्फो के नीचे न्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम लोग न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टैंपलेट्स भी दिए हैं हम लोग इनमें से किसी भी टैंपलेट को चूज कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी डाटा नहीं होगा फिलहाल इस न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हम क्लोज कर देते हैं और फिर से उसी फाइल मेन्यू में जाते हैं न्यू के नीचे ओपन का ऑप्शन है अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना हो जो कि पहले से सेव है तो हम उस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं यहाँ पर कुछ रीसेंट प्रेजेंटेशंस भी शो हो रही हैं ये सारी वो प्रेजेंटेशंस हैं जिनमें हमने अभी रिसेंटली काम किया हुआ है जिस प्रेजेंटेशन को हम ओपन करना चाहते हैं अगर वो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर शो हो रही है तो सिंपली हमें उस फाइल पे क्लिक करना है क्लिक करते ही वो फाइल ओपन हो जाएगी अभी हम इस प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं और फिर से फाइल टैब पे क्लिक कर देते हैं रिसेंट प्रजेंटेश में बहुत कम फाइल शो हो रही हैं जिनमें हमने अभी रिसेंटली काम किया हुआ है लेकिन हो सकता है कि हम किसी ऐसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं जिस पे हमने रिसेंटली काम नहीं किया है तो उस फाइल को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक करना है अब यहाँ पर कुछ रिसेंट फोल्डर्स भी शो हो रहे हैं हम इन फोल्डर्स पे क्लिक करके भी फोल्डर के अंदर की किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक ब्राउज का ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके हम लोग किसी भी ड्राइव में जाके या फिर किसी भी फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम सिर्फ उन्हीं फाइल को ओपन कर सकते हैं जो कि ऑफ़लाइन अवेलेबल है मतलब कि जो फाइल हमारे इस कंप्यूटर में सेव्ड है लेकिन हो सकता है कि हमने अपनी फाइल को ऑनलाइन सेव किया हो इसलिए ऑनलाइन फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर वन ड्राइव ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं वन ड्राइव पे क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट में साइन इन करके हम किसी भी कंप्यूटर से अपनी ऑनलाइन सेव फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है ओपन के नीचे सेव का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके हम पावर पॉइंट फाइल को सेव कर सकते हैं हम इस फाइल को डेस्कटॉप फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं और यहाँ फाइल नेम एंटर कर देते हैं यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं इस फाइल का नाम हमने अबाउट फाइल टैब इन एम एस पावर पॉइंट दिया है इसके बाद हमें नीचे सेव पे क्लिक करना है सेव पे क्लिक करते ही ये फाइल डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी सेव के नीचे सेव एज का ऑप्शन है सेव एज का यूज करके हम इस फाइल को सेम लोकेशन में डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हैं या फिर डिफरेंट लोकेशन में किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं सेव एज के नीचे यहाँ पर जिप एंड शेयर का ऑप्शन है इसकी हेल्प से हम लोग प्रेजेंटेशन को जिप करके भी शेयर कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन को जिप करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना जरूरी है जो कि प्रेजेंटेशन को जिप कर सकता हो इसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है इसका यूज करके हम इस फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंट करने से पहले हम यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से स्लाइड्स की सेटिंग्स भी कर सकते हैं प्रिंट के नीचे शेयर का ऑप्शन है जिसका यूज करके हम इस फाइल को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करने से पहले हमें इस प्रेजेंटेशन को वन ड्राइव लोकेशन में सेव करना होता है हम इस प्रेजेंटेशन को ई करके भी शेयर कर सकते हैं ई के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि सेंड एज अटैचमेंट Send 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 as PDF, send as as PDF, XPS and send as Internet Fax. हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं यहां से हम प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं और यहां से हम स्लाइड लाइब्रेरी या फिर शेयर पॉइंट साइट में स्लाइड्स को पब्लिश भी कर सकते हैं शेयर के नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम इस फाइल को पी और एक्स पी एस डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम यहां से प्रेजेंटेशन की वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं और इस ऑप्शन का यूज़ करके हम फाइल टाइप को भी चेंज कर सकते हैं फिर यहां पर क्लोज़ का ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम इस फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं जब हम फाइल को क्लोज़ करते हैं तब हमें स्क्रीन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज डिस्प्ले होता है कि हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं या अगर हम अभी इस फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो हम कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हैं क्लोज़ के नीचे अकाउंट का ऑप्शन है जिसका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में साइन इन करने के लिए होता है यहाँ से हम ऑफिस की थीम को भी चेंज कर सकते हैं अब सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शंस का टैब है जिसका यूज़ करके हम एक्स्ट्रा और एडवांस्ड फीचर्स को ऐड कर सकते हैं हम यहां से डिफॉल्ट सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं पावर पॉइंट फाइल से रिलेटेड यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं और इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर नाइन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जनरल प्रूफिंग सेव लैंग्वेज एडवांस्ड कस्टमाइज रिबन क्विक एक्सेस टूल बार एडेंस एंड लास्ट में है ट्रस्ट सेंटर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने फाइल टाइप के बारे में डिटेल में सीखा कि पावर पॉइंट में फाइल टाइप का क्या यूज़ है और फाइल टाइप के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोज लाते रहेंगे धन्यवाद